नमस्कार, यू मनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। इंश्योरेंस कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं और लेना भी चाहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि किसके लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी की जरूरतें और जिम्मेदारियाँ अलग होती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि प्लान भी अलग ही होगा। लेकिन किस उम्र में हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए और अगर कोई प्लान ले रखा है तो उससे निकले या उसमें बने रहे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए हम लेकर आते हैं यू मनी, ताकि आपकी जो उलझने हैं उन्हें हम सुलझा सके। यू मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। आवेश ने नागपुर से हमें फोन किया है। आवेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो आवेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम। तो अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था कि बिरला लाइफ इंश्योरेंस में प्लैटिनम एडवांटेज प्लान है। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। तो उस प्लान में मैंने प्रीमियम जो 25,000 पर ईयर का प्रीमियम इन्वेस्ट किया है, तो उसमें डिफरेंट फंड्स है, उसमें भी कौन सा फंड चूज करना है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्वेरी की थी। अच्छा, और आपने ये कब से शुरू किया है ये पॉलिसी? ये कुछ 5-6 दिन पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फंड्स के बारे में कुछ मालूम नहीं थी मुझे। ओके, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी नॉलेज चाहिए थी। प्लैटिनम एडवांटेज प्लान, हर्ष कैसा प्लान है ये और इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं फंड्स के? वेल आवेश जी, आपने जो पॉलिसी ली है इसमें पहली बात दो ऑप्शन है। एक है सेल्फ मैनेज्ड ऑप्शन, जिसमें आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि कौन से फंड में आपको निवेश करना है। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल उसी के रिलेटेड है, क्योंकि आपको फंड्स में कंफ्यूजन है। इसका दूसरा ऑप्शन है, वो है गारंटीड ऑप्शन। तो पहले मैं आपको सेल्फ मैनेज ऑप्शन के बारे में बता दूं, करीबन 10 ऑप्शन है या ये पर्टिकुलर ऑप्शन के अंडर में। आप ये नाम पे मत जाइए, उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम है, नाम पे मत जाइए। आप सिर्फ ये देखिए कि एक पर्टिकुलर जो फंड है उसमें इक्विटी और डेट का क्या एक्सपोजर है। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक इनकम एडवांटेज फंड है जिसमें इक्विटी 0% है, उसमें बिल्कुल भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, 100% डेट में इन्वेस्ट होता है। और दूसरा है मल्टीप्लायर फंड, जिसमें अप टू 100% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है वो ध्यान में रखिए, और वो हिसाब से आप वो टेबल रेफर करिए जो आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिया गया है। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कि मुझे कितना इक्विटी में रखना चाहिए, तो आप एक थंब रूल अपना लीजिए, आपकी जो उम्र है 100 माइनस योर एज, आप उतना इक्विटी में इन्वेस्ट रखिए। तो आप वो हिसाब से अपना फंड सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर ये सब आपको फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो आप गारंटीड ऑप्शन चूज कर लीजिए, जिसमें इक्विटी डेट का एलोकेशन जो है वो फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेंगे, और आपको जो हाईएस्ट एनएवी है ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स वो आपको दे दिया जाएगा। 10 ऑप्शन लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब कोई भी एक निवेशक या पॉलिसी होल्डर तो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें डालने में। वेल इट इज यस, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, बट आप कंपनी की तरफ से अगर देखें तो अगर उन्हें मार्केट में रहना है तो उन्हें हर तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। तो जो नहीं समझते उनके लिए यस डेफिनेटली वो मुश्किल है, लेकिन जो समझते हैं उनको ऑप्शन अगर नहीं दिया गया तो ये उनके लिए दिक्कत का काम हो सकता है। तो आवेश जी, आपको समझ में आ गया कि सेल्फ मैनेज्ड ऑप्शन है, उसमें आपको 10 फंड ऑप्शन होंगे, तो जरा आपने रिस्क एपेटाइट को चेक कीजिए कि आप कितना कंफर्टेबल है इक्विटी में पैसे डालने में और कितना आपको डेट में चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने 10 फंड में से कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे झंझट से दूर रहना, तो जो दूसरा ऑप्शन है इस प्लान में गारंटीड ऑप्शन, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट, आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कितना इक्विटी में डालूं, तो जैसा कि हर्ष ने बताया, थंब रूल 100 में से जितनी उम्र है उतनी घटा दीजिए और जितना बचता है उतना आप डालिए इक्विटी में। एग्जैक्टली। चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुकेश गुप्ता हमारे साथ हैं दिल्ली से। मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम, मेरे तो यूनिट प्लान है, बजाज एलायंस का यूनिट प्लान है, कैपिटल यूनिट गेन। अच्छा, जिसमें दो फंड है, कैपिटल इक्विटी ग्रोथ फंड एंड इक्विटी ग्रोथ सेकंड। तो मैं 2007 से कैरी कर रहा हूँ इसको, 45,000 प्रीमियम मैं पर एनम देता हूँ,
जस्ट मुझे यही क्वेरी की कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ या फिर मैं सरेंडर कर लूँ। सरेंडर के काफी चार्जेस हैं और अभी भी मैंने इसका स्टेटमेंट चेक करा तो देर इज लॉट्स ऑफ द चार्जेस। शुड आई कैरी इट और सरेंडर करके मैं अपना पैसा विड्रॉ कर लूँ? आप ओके okay, आप चार्जेस को लेके कंसर्न है बेसिकली? यस मैम, यस मैम। 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और आप चार्जेस को लेके कंसर्न है, ये क्या लगता है? यूलिप है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट गोल लेके नहीं चल रहे इस प्लान से जुड़ा हुआ तो क्या बंद कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू करें? एब्सोल्युटली मुकेश जी, आपके लिए ये आप समझ लीजिए कि यूलिप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है, जो चार्जेस हैं, वो आप कम्प्लीटली अपने ऊपर ही बेयर करते हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को लिवरेज नहीं देते हैं कि वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। उसी प्रकार आपने जब ये पॉलिसी ली है तो उसमें जो चार्जेस हैं वो डेफिनेटली डिडक्ट होंगे जब आप सरेंडर करेंगे। अब मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो है कि वेदर आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू रखना चाहिए या सरेंडर करना चाहिए। इसका सिंपल एक चीज का जवाब आप खुद अपने आप से मांगिए कि आपने ये इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया था कि आपने इंश्योरेंस एक माइंड में था और आपने ये इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी खरीदा है। अगर आपके माइंड में इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू मत रखिए। आप इसे सरेंडर करके आप म्यूचुअल फंड्स या और कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये आपको ध्यान रख के आप इसी प्रकार आगे कोई भी निवेश करें ये ध्यान में रख के ही करिए।